एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स। एल्डिहाइड्स की सिंथेसिस हमने कंप्लीट कर ली थी, तो आज हम जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट रिएक्शंस आती हैं सिंथेसिस ऑफ कीटोन पार्ट से, आज वो हम जो अभी तक मैंने स्टडी करा है उसमें से ये चार रिएक्शंस हैं जो ज्यादा पूछी गई हैं। एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक फ्रॉम सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स फ्रॉम एसिड्स, फ्रॉम एसिड क्लोराइड एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या है, अगर कीटोन्स बनाने हैं तो कीटोन्स को बनाने के लिए सेकेंडरी कोल्स ली जाती हैं। सेकेंडरी कोल्स की ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन कर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाता है कोई, और उसको ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है और कीटोन्स में। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल लेट से कोई भी है ये वाली, और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो लिया जाता है वो है पोटाशियम डाइक्रोमेट के टू क्रोमियम टू ओ सेवन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो एच एंड ओ एच ग्रुप है, ओके, ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है यहाँ पर, और हमें क्या मिलता है यहाँ पर, डबल बॉन्ड ओ। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है इसमें कीटोन। और बच्चे इसमें मैंने जो देखा है अभी तक स्टडी करा है, तो इसमें वो क्वेश्चन पूछता है, पूछता तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बहुत कम पूछता है कि आपको डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पूछ ले सिर्फ कीटोन्स की, वो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों की ही पूछता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, और वो पूछता है कि बताओ कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं जब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, तो उसमें डिफरेंस क्या है। तो ये अब आप सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स के पार्ट में से उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी पढ़ के जाओगे और कीटोन्स की भी पढ़ के जाओगे, और दोनों में यही डिफरेंस है कि एल्डिहाइड्स होते हैं जो, वो क्या होता है, अगर उन उसके लिए हम स्टार्टिंग क्या लेते हैं एल्डिहाइड्स को बनाने के लिए, अल्कोहल लेते हैं, राइट, और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है एल्डिहाइड बनाने के लिए। बट उस केस में क्या हो जाता है कि अगर हम एग्जैक्ट जहाँ कोई पर्टिकुलर नहीं लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एल्डिहाइड लेने एल्डिहाइड मिलने की बजाय हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट एसिड्स मिलते हैं उसमें ऑक्सीडाइज होके। बट कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए इस केस में हम जब अल्कोहल्स लेते हैं तो डायरेक्ट हमें कीटोन ही प्रोडक्ट मिलता है, ये आगे एसिड्स में जल्दी कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं हो सकती कीटोन्स की, तो ये वाला एक डिफरेंस है। और एल्डिहाइड सेक्शन में भी उसके लिए पर्टिकुलर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एल्डिहाइड्स के लिए वो दे रखे हैं, तो आप इसलिए ऑक्सीडेशन पार्ट के ऊपर जब पढ़ोगे तो इनके डिफ कंपैरिजन पढ़ना इन दोनों का ना, लिख के कॉपी के ऊपर अच्छी तरह से तब पढ़ के जाना। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस पूछा जाता है बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए। क्लियर, और कीटोन्स को बनाना है तो इजिली है कि इजी है कि सेकेंडरी अल्कोहल्स लो आप और उसकी ऑक्सीडेशन कर दो, और पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इजिली। नेक्स्ट करते हैं फ्रॉम एसिड्स। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट ही आपको कोई भी ऐसे नहीं, कोई भी एसिड देता है और कन्वर्जन पूछ लेता है, और कोई भी एसिड का नाम दे देगा आपको कि इस एसिड से ये वाला कीटोन बनाओ कोई पर्टिकुलर। तो आपको ये वाला कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं है ये वाली, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि एसिड से कीटोन्स कैसे बनते हैं। तो अगर कोई भी एसिड से हमने कीटोन बनाना है तो ये बनता है ऑर्गेनोलिथियम की प्रेजेंस में, मतलब अल्काइल और एराइल लिथियम लेना पड़ेगा इसके लिए, जैसे आर डैश एल आई। आर आपका क्या हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो हम बनाते हैं, जैसे कोई भी ले लो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड से जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, तो उसको अल्काइल लिथियम लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, हमारे पास अल्काइल या एराइल लिथियम जो भी आपका ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, ये एक्ट करता है एज ए बेस। बेस का काम क्या है, प्रोटोन को अब्स्ट्रैक्ट करना। ओके, तो ये क्या करेगा, ये वाले दो लिए हुए हैं ना अल्काइल लिथियम दो मोल, तो एक क्या करता है इस प्रोटोन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इस प्रोटोन को जब दो लेने हैं तो ऐसा करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं यहां पर मैकेनिज्म में।
तो सबसे पहले क्या होता है, एक ऑर्गेनोलिथियम है जो एक्ट करता है एज ए बेस, और ये वाला प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ये वाला प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां पर क्या आ जाएगा, ओ नेगेटिव। तो यहां से हमें क्या, ये कैसे ब्रेक करता है, आर नेगेटिव एल आई पॉजिटिव, तो यहां पर क्या लग जाएगा, एल आई पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा लिथियम सॉल्ट। ओके, उसके बाद क्या होता है, ये जो सॉल्ट बनता है इसके ऊपर हमारा जो डोल ये है ना, हमें तो दूसरा वाला जो बेस है आर एल आई, वो अटैक, उसका आर नेगेटिव अटैक करेगा इस पोर्शन के ऊपर, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, ओ नेगेटिव ओ माइनस एल आई पॉजिटिव आर, इसको डबल डैश ले लेते हैं, लेट्स से डबल डैश, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले हमने एक सिंगल डैश लिया हुआ है, तो कंपैरिजन के लिए डबल डैश ले लेते हैं। तो इसके साथ भी क्या लग जाएगा, एल आई पॉजिटिव, क्लियर। अब इस सॉल्ट की क्या हो जाती है, हाइड्रोलिसिस। तो दो एल आई है तो दो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, तो यहाँ से दो एच पॉजिटिव मिलते हैं, तो यहाँ पर एल आई किसके साथ रिप्लेस हो जाता है, ओ एच के साथ। अब देखो स्लाइट हीटिंग की जाती है, स्लाइट हीटिंग, उसमें क्या होता है, अब एक कार्बन के साथ दो एच ग्रुप तो लग नहीं सकते दोनों ही, तो ऑब्वियस दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, दो तो नहीं लगेंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक होगा बॉन्ड, स्लाइट हीटिंग करने के बाद वाटर रिलीज होगा, तो ये वाला एच अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे जाएगा, एच पॉजिटिव निकलेगा और इधर से निकलेगा ओ एच नेगेटिव, तो वाटर बाहर निकल जाएगा और आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा कीटोन, क्लियर। तो ऑर्गेनो ये आपने पढ़ के जाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कीटोन्स की सिंथेसिस के लिए, एसिड से कीटोन बनता है किसी भी ऑर्गेनो अल्काइल या अराइल लिथियम के प्रेजेंस में, क्लियर। तो बच्चे अगर आपको समझ आ रही है, ठीक है, तो कोई फीडबैक देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तब तक आप हम नेक्स्ट करते हैं रिएक्शंस, आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। तो नेक्स्ट चलते हैं, कीटोन्स की सिंथेसिस करनी है एसिड क्लोराइड से, तो ये मैंने ज्यादा तो नहीं देखा है क्वेश्चन, अभी तक नहीं आया है, बट ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि इसकी सिंथेसिस भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप छोड़ के मत जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे ना, एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, एसिड क्लोराइड से कीटोन्स को बनाना है, क्लियर। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होता है डाई अल्काइल कैडमियम कंपाउंड, डाई अल्काइल कैडमियम और डाई अराइल भी ले सकते हैं, डाई अल्काइल कैडमियम और डाई अराइल कैडमियम कंपाउंड लेना पड़ता है। जैसे से ये है एसिड क्लोराइड, कोई भी एसिड क्लोराइड से बनाना है कीटोन, तो डाई अल्काइल मतलब आर टू, दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं या अराइल लगे हैं, तो डाई अराइल कैडमियम कंपाउंड, ओके ये लेना पड़ता है। तो इसका हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, तो मैकेनिज्म में देखो क्या है इसके, देखो ये कोई एसिड क्लोराइड है, ये आपका है जो डाई अल्काइल कंपाउंड, ये अटैक के लिए देता है आर नेगेटिव, तो इसमें से जो आर नेगेटिव है फ्रॉम आर टू कैडमियम, इसमें जो आर नेगेटिव है हमारा वो एक्ट करेगा जैसे न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर ऑफ एसिड क्लोराइड, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, यहां पर आ जाएगा ओ नेगेटिव और यहां आ जाएगा ये वाला आर, इसको आर डैश ले लो पहले वाले को। तो अब क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स वापिस आएंगे और यहां से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, सी एल नेगेटिव बाहर चला जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा कीटोन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, आर नेगेटिव रिप्लेस हुआ है सी एल नेगेटिव के साथ, ऐसा ही हुआ है ना, ये क्लोरीन क्लोराइड बाहर निकला है, उसकी जगह के ऊपर आया है आर नेगेटिव एड हुआ है न्यूक्लियोफाइल, तो बेसिकली ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। तो इजी है, सिंपल डाइल
कैडमियम कंपाउंड लो, आर नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करो, और उसके बाद वापस से क्लोराइड रिमूव हो जाता है, और ये इसमें क्या बनता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो इसको मत छोड़ के जाना, मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये, और आ भी सकती है अभी तक, अगर नहीं आई है तो आ भी सकती है एग्जाम में। उसके बाद हम चलते हैं, हमारा लास्ट है जो रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये मैंने आपको अपने जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं वीडियो में, उसमें भी समझाई थी आपको। इसमें क्या होता है, बेंजीन ली जाती है और बेंजीन की एसाइलेशन करवा दी जाती है। एसाइलेशन करवा दी जाती है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो बेंजीन के साथ एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना, तो हमें दूसरा रिएजेंट चाहिए, वो है एसाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड, और ये रिएक्शन होती है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। क्लियर? तो देखो इसमें क्या है, जैसे कोई बेंजीन है, एसिड क्लोराइड ले लिया कोई भी, इसमें डालोगे आप एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, और ये वाला एसाइल ग्रुप है जो यहां से निकलेगा एच पॉजिटिव, उसकी जगह लग जाएगा ये वाला पॉजिटिव ग्रुप, और यहां से निकल जाएगा सीएल नेगेटिव, एचसीएल निकल रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक ये रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां से जो एच पॉजिटिव है उसकी जगह पे लग जाता है, एच पॉजिटिव के साथ रिप्लेस होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओके ये वाला। तो रिंग के ऊपर सपोज करो यहां से एक एच पॉजिटिव गया, तो यहां पर क्या लग जाता है, एसाइल ग्रुप। तो ये बनते हैं हमारे कीटोन्स। ओके, तो अगर देखो इसमें ये नहीं है कि असाइल ग्रुप है जो, उसमें आर ग्रुप आपका एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, अगर सपोज करो आप ले लेते हो ये वाला, ठीक है, आपका एरोमेटिक ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, तो उसमें क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, तो सेम ही बनेगा, बस डिफरेंस ये है कि इसमें आपका ये वाला ग्रुप लगेगा, तो इस केस में आपका ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। और एक बात इसमें ये देखनी है कि आप अगर डायरेक्ट दे देता है आपको रिएक्शन, पूछ लेता है, अगर नेम नहीं देता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और डायरेक्ट पूछ लेता है, तो आप ये मत ढूंढते रहना कि यहाँ पर एसिड क्लोराइड ही लगा हो, ये रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में भी होती है, एनहाइड्राइड भी लिया जाता है। यहाँ पर CH3 ले लो, ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3, इसमें ये वाला जो एसाइल ग्रुप है वो रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस होगा। ओके, तो बाकी का जो है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, जो इधर से एच पॉजिटिव निकलता है तो उसके साथ मिलके एसिड बार निकल जाता है, तो यहाँ पर आपका मेन प्रोडक्ट बन जाता है कीटोन। क्लियर? तो ये वाली रिएक्शन एसिड क्लोराइड्स की प्रेजेंस में भी होती है, उसके साथ भी होती है बेंजीन, और इसको रिप्लेस करके एसिटिक एनहाइड्राइड भी लिया जाता है। तो बस यही है कीटोन्स की सिंथेसिस के लिए जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये आ सकती हैं जो आई हुई है, मैक्सिमम टाइम आई हुई है ये, और इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सेक्शन से, वो इम्पोर्टेंट है, वो उसकी वीडियो में आज ही डाल दूंगी, शाम तक वो भी आ जाएगी, और फिर हम करते हैं जो मेन और बहुत सारी रिएक्शंस आती हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो वो जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है सारी की सारी मैं डाल दूंगी, कल तक उसकी वीडियो आ जाएगी। तो आपको अगर कुछ भी डाउट है कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, इसके बिना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, अगर आपको समझ आ रही है, ऑब्वियस अगर आपको समझ आ रही है तभी आप वीडियो के एंड तक बने हुए हो, और अगर कुछ भी डाउट है कोई फीडबैक देनी है तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ मेरे एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां पर भी मुझे बता सकते हो, उस चैनल को फॉलो कर लो, उसमें मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैकेनिज्म वो मैं डालती रहती हूँ, तो आप उसमें देख सकते हो, और उसमें मैं और भी बाकी चैप्टर्स के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो भी डाल दूंगी। ओके, तो प्रैक्टिस करो, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, थैंक यू।